ब्लैक कॉमेडी जॉनर में जो स्टेटस जाने भी दो यारो, और कल्ट कॉमेडी में जो स्टेटस अंदाज अपना अपना को मिला हुआ है, वही रोम कॉम में ये जवानी या दीवानी को मिला हुआ है। इस मूवी की एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जो रणवीर कपूर के किरदार बनी से बहुत इम्प्रेस्ड है। बाकी के किरदार भी बहुत पॉपुलर है, जैसे नैना, अवि, अदिति, लेकिन रणवीर कपूर के लिए मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है, खासतौर से उनका फैन बेस इसी तरह की मूवी में चमकता है। फिलहाल उनकी एक और मूवी आई थी तू झूठी मैं मक्कार, वो भी इसी टेम्पलेट ही जॉनर की मूवी थी। यानी रणवीर कपूर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, शमशेरा बनाते हैं, बॉम्बे वेलवेट बनाते हैं, तब वो पिट जाते हैं, लेकिन जब अपने सेफ जोन में आते हैं तो बहुत पब्लिक को चॉकलेटी और कलरफुल एक्टर लगते हैं। फिर चाहे उनकी पुरानी मूवीज बचना है हसीनो हो, या फिर ऐ दिल है मुश्किल हो, या फिर तू झूठी मैं मक्कार। बहरहाल ये जवानी है दीवानी के पार्ट टू को लेकर डिस्कशन चल रहा है, और उनके फैंस को खुश हो जाना चाहिए, बिकॉज रणवीर का कहना है कि अब इस मूवी के सीक्वल पर अयान और वो दोनों मिलकर बहुत सीरियस टॉक कर रहे हैं। उनके मुताबिक करीब 10 साल पहले अयान के पास एक स्टोरी थी जो इस मूवी का सीक्वल पोटेंशियली बन सकती थी, लेकिन तब अयान का सारा फोकस ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट पर था, और वो भी चाहते थे ब्रह्मास्त्र में किसी तरह की डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। इसलिए इस बात से वाकिफ होने के बावजूद की मूवी बहुत अच्छी बन सकती है पार्ट टू में, उन्होंने ब्रह्मास्त्र पे ही सारी एनर्जी फोकस कर दी। ब्रह्मास्त्र ने बहुत साल ले लिए, अब चूंकि ब्रह्मास्त्र चल चुकी है, रणवीर कपूर की इमेज सेटल हो चुकी है, अब वो चाहते हैं ये जवानी दीवानी के पार्ट टू पर काम स्टार्ट हो। इसके अलावा फैंस भी चाहते हैं कि बनी वापस से आए, और पब्लिक देखना चाहती है कि 10 साल के बाद इन किरदारों को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। यानी सारे किरदार 10 साल आगे बढ़ चुके होंगे, फिर चाहे वो बनी हो, नैना हो, अवि हो, अदिति हो, यानी कल्कि कोचलिन, आदित्य राय कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर। हालांकि अब दीपिका पादुकोण इस मूवी का हिस्सा होंगी, इस पर डाउट है, बिकॉज वो ऑलरेडी रणवीर सिंह के साथ मैरिज कर चुकी हैं और वो नहीं चाहेंगे अपने एक्स के साथ काम करना। जिस तरह से दीपिका पादुकोण के साथ सिचुएशन क्राइसिस वाली है, वही क्राइसिस कैटरीना कैफ के सामने भी है। टाइगर 3 के बाद सलमान खान के साथ वो कोई मूवी साइन नहीं करेंगी बिकॉज ऑफ हिज फैमिली अफेयर। तो दीपिका पादुकोण की बॉडी में भले ही रणवीर कपूर का टैटू आज भी सलामत हो, लेकिन वो ये जवानी दीवानी के सीक्वल में काम करेंगी, इस बात पे बहुत तगड़ा डाउट है। तो देखने वाली बात होगी नैना किरदार को कौन सी एक्ट्रेस रिप्लेस करती है, और रणवीर की नई मूवी किस तरह का चमत्कार करती है। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।